तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, हाँ वही जा रहे हैं। तो राम राम जी, अभी हम लोग ना ऐसे फ्री बैठे थे, चाय पीने का मन कर रहा था आज, तो राय भाई के पास में आया हुआ था अभी। राय भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। इनने मेरे लुक की ऐसी मेरे लुक की ऐसी तो हो ही रखी थी, पर इनने ना उस चीज को हाईलाइट कर दिया पूरा। खैर वो सब छोड़ते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई पुणे, नहीं मुंबई नहीं सॉरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। मैं जहाँ पे रहते हैं, यहाँ राय भाई जहाँ से रहते हैं, यहाँ से मात्र 15 मिनट की ड्राइव है वो एक्सप्रेस वे। एड्रेस ही बता दो ना फिर। मैंने मेरा भी बोला है, तो यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है और वहाँ पे जाते हैं। उधर ना एक जगह है जहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं थोड़े थोड़े, पहाड़ तो क्या टीबे से दिखते हैं। उधर जाके चाय पियेंगे अभी और लेट्स गो। और एक आपसे वहां जाके बात करूंगा मैं, बुकिंग की, गाड़ी की बुकिंग कब आएगी, कैसे आएगी। ये हाईवे जाएगा मुंबई पूरा डायरेक्ट, ये आया मुंबई, और 12 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाओगे। 12 घंटे में और 2 घंटे में, नहीं 1.5 घंटे में जयपुर, यहाँ से जयपुर का 1.5 घंटे में और मुंबई और गड्ढा देंगे भाई। बड़े भाई ये तो कोई नहीं, सारे मेरे भाई यार नहीं है वो लो आगे चाय पिलाओ यार आगे। नहीं ऊपर एक्सप्रेस हाईवे पे पिलाओ। तो मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में जा रहे हैं चाय पीने। और मैं इस हाईवे की खासियत बताता हूँ, आप भी बताना बाद में वीडियो में। इस पे चढ़ने के बाद ना फिर ये डायरेक्ट 18 किलोमीटर बाद ही रुकते हैं। हाँ वो है ना, पर 18 किलोमीटर 10 मिनट में पहुंच जाते हो आप। ये चीज़ है एक्सप्रेसवे है ना, एक्सप्रेसवे है ये चीज़ है। तो ये हाँ ये खासियत है इस हाईवे की। और मैं गलती से 2-3 बार चढ़ चुका हूँ, फिर उतरने का नाम ही नहीं आता। इस पे भगाने की लिमिट देखो, हम तो 100 पे भगा ही रहे हैं, वो 110 पे भाई, I-10 120 पे भाग रही होगी। और साथ साथ ट्रक अगर देख रहे हो ना, ट्रक वाले भाई ने भी खेचा मार रखा है कि क्यों नहीं भगाऊं जब 100 हमको ऑफिशियली दे रखी है कि भाई 100 भगाओ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रक कम भगाएंगे, स्टैंडर्ड लिमिट सबकी 100 दे दी, भगाओ यहाँ से। तो अगल बगल में गुड़गांव से एकदम कट करके इस हाईवे को सीधे जो है दिल्ली मुंबई पे कनेक्ट करा जाएगा। अब देखो मैं 100 पे हूँ ना यहाँ पे, अबे भाई की स्पीड देख लो भाई, 100 पे अपने भैया जी भगाने लग रहे हैं। चलो बढ़िया है, इनको भी कभी कभी मौका मिलता होगा ऐसे भगाने का। आए मेरे भैया भाई ये आगे यहाँ पे चाय पी रहे हैं एक बार। और हमारा प्लान है कि अभी टोल टैक्स पे जाके विक्रम बोलेंगे 2-3 बार, देखते हैं फ्री में गाड़ी जाती है नहीं जाती। विक्रम जिमनी निकलवा लें हैं, ठीक है चलो पीते हैं एक बार चाय की जूस की, फिर देखेंगे आगे जो भी प्लान बनता है। तो भाई सिर्फ मुंबई एक्सप्रेस पे जाने के लिए हम लोग जो है टोल टैक्स पार करेंगे यहाँ से। अब सूत्रों के हवाले से खराब आई है, खराब आई खबर आई है कि 2-3 बार विक्रम बोल दोगे तो जो आपका टोल है वो बच जाएगा। चलो विक्रम। हाँ जी भैया विक्रम ओए विक्रम, मजाक की बात है भाई। 5 किलोमीटर बताया यहाँ से भगाते हैं, हाईवे तो ये रहा, पर इसमें चढ़ते कैसे लोग ये समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, नहीं राइट लेफ्ट से कहीं से पक्का चढ़ रहा होगा। वडोदरा देखो ये रही, वडोदरा मुंबई एंट्री यहाँ से होगी, इसमें चढ़ जाओ भाई। ये है आपका दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे और 4 तारीख को इसकी ओपनिंग बता रहे हैं। 4 तारीख को ये खुल जाएगा बढ़िया से। और अभी भाई उस तरफ जाने का देखो एकदम ही बना रखा है कि आप लोग राइट लेफ्ट जा ही नहीं सकते कहीं से भी। एक बार हाईवे पे चढ़िए तो उसी हाईवे पे आपको कंटिन्यू करना पड़ता रहेगा, तो ऐसा कुछ है। और इस हाईवे पे आने के बाद आप लोगों के केवल 12 घंटे लगेंगे मुंबई के, 1.5 घंटे लगेगा आप लोगों का क्या बोलते हैं अपना जयपुर का, और बीच में और जो भी जगह आप लोगों का वडोदरा तो और भी 1.5 घंटा। हाँ वडोदरा 40-20 किलोमीटर थे। हाँ वैसे भाई 200 कितना पड़ता है, ज्यादा ही होता है काफी। 34 तो भाई काफी सही ना बना दिया एक्सप्रेसवे। 4 तारीख को ओपनिंग है, लेट्स सी अगर गाड़ी जल्दी आ जाती है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे इसी एक्सप्रेसवे से। पर ये समझ नहीं आ रहा है लोग बाग आ कहाँ से रहे हैं। पहले इन हाईवे की मेरे को एक दिक्कत लगती है कि ना इनमें लंबे लंबे पैचेस में ना पेट्रोल पंप होते हैं ना कुछ होते हैं, तो जब भी इन पे चढ़ो ना तो उस टाइम भाई हमेशा मेक श्योर ये करो कि आप लोग जो है भरवा के जाओ। मतलब वो सामने लग रहा है लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दिल्ली वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे है ना। सही एक्सप्रेस वे पे अच्छा बना रहे हैं। अभी हम रोंद जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जा रहे हैं, रास्ता है ना उससे। चलो कट भी दे रखा है, मैं यहां दे रखा ना काट ही है, सब उससे हट जा सकते हैं वहां जाएगी गाड़ी थोड़ा देर। ये लग गई गाड़ी अपनी रोड पे, पूरा खाली पड़ा हुआ पूरा, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्योंकि। तो चलो थोड़ा आगे तक जाएंगे अब इसमें, अब ऑफिशियली यहाँ तक आ ही गए हैं तो पीछे आई कोई भी नहीं है।
यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की जात कोई भी नहीं है ना, हाईवे अच्छा है ना, पूरा हाईवे देख रहे हो खाली पड़ा है, और मैं बताऊं चालू होने के बाद भी ऐसा ही रहेगा, बहुत कम लोग होंगे जो दूर से मुंबई जाएंगे ना। चलो मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और अभी आपको दिखाता हूँ मुंबई एक्चुअल में कितना है। यहाँ से सामने देखो, ये रहा आपका पलवल है आपका 44 किलोमीटर, मुंबई 1224, यानी कि इनका हिसाब ये लगता है अगर आप 120 बना लो ये भाई देख लो यहाँ पे पूरे बोर्ड लगवा रखे मुंबई अपना 122। इसके आगे थंबनेल ले लेते हैं, रुक जाओ। हाँ ये सही है ना, पलवल के 44 बस। हाँ सही है यार, टेढ़ी लगा दो क्योंकि इस रोड पे तो वैसे भी कोई नहीं आ रहा। ये सामने जो है ना मुंबई दिख रहा है आप लोगों को 1224 किलोमीटर, और मुंबई जो है यहाँ से अब इनका हिसाब ये है कि हाईवे की स्पीड रहेगी 120। अब 120 की स्पीड से कोई भगाएगा तो अगर नॉन स्टॉप भगाता है तो आराम से जो है पहुँच जाएगा फिरोजपुर झिरका 68, पलवल 44। तो ये कुछ जो है आपका अंदाज पड़ता है कि इतने कुछ में जो है गाड़ी मतलब आपकी पहुँच जाएगी। बाकी काफ़ी बढ़िया हाईवे है भाई, मेरे को तो काफ़ी सही लग रहा है, आप लोग कैसे लगे बताओ। अपना देखते हैं ट्यून्ड थार कितनी भागती है, आज तक तो हम लोगों ने देखी नहीं कभी भी। इधर लगा देता हूँ मैं इसके यहाँ पे और स्पीड आती है इसके एडवेज ठीक है, अब आप लोग देखना कितनी भागेगी अपनी कितनी नहीं, और सेकंड गियर से पिकअप मार रहा हूँ ठीक है। आगे कट है कोई नहीं, वो देखा जाएगा। तो मैं एक बार कट है इस पे ना थोड़ा सा मैं रुकूंगा, एक बार स्ट्रेट पैच देखते हैं कोई जो स्ट्रेट मिल जाए जिसपे स्पीड हो पाए। 112 तक तो चले गए थे, मतलब और पुश कर क्योंकि मैंने सेकंड गियर से उठाई है, उठाई भी मैंने सेकंड गियर से ना, तो ये दिक्कत है। ठीक है एक बार देखते हैं, नहीं इस पर नहीं मिलेंगे अभी तो, 20 किलोमीटर का पैच है। अरे फिर थार किस काम आएगी मेरे भाई, है ना ठीक है। और मेरे हिसाब से सिंगल इधर उधर मत मोड़ना, सीधी नहीं ना सीधे रखूंगा, सिंगल लेन ना वो देखो स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे, तो सिंगल लेन चल रहा है। चलो यहाँ से मारता हूँ एक बार जो बोर्ड है वहाँ तक। हाँ लेट्स गो, और यहाँ से आपको स्पीड दिख रही होगी अपनी ट्यून्ड थार है ये ठीक है। तो 120 मैक्स की स्पीड दे दी है, पांचवे गियर पे तो अभी आई भी नहीं है, अब आइए पांचवे गियर पे। अब रोक लो, ऊपर से नीचे नजर नहीं आ रहा क्योंकि रोक लेते मतलब 150 ठीक है 150 हो गई। अब थोड़ा रोक वो कर लो, पैच दिख नहीं रहा है। और भाई मेरे को तो कोई भी हिलने मिलने जैसा इशू फील हुआ नहीं, ठीक था भाई है ना। हाँ रोड काफी ज्यादा सही है, मुझे पहले देहरादून वाली रोड लगती थी बहुत अच्छी, लेकिन ये बहुत अच्छी बहुत चला गई पीछे मोड़ते हैं यहीं से मोड़ते। तो भाई देखो ये है कुछ लॉन्च होने से पहले अपन दौड़ा दिया तो लॉन्च होने से पहले 150 की स्पीड। तो एक बार फिर से पकड़ना, क्या मारूं ये कोई गाड़ी हार के ये क्या सीन है भाई, इस पे भी चढ़ जाता है कोई ठीक है। अब नहीं मारते यार क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम ट्रैफिक रूल सारे फॉलो करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है अब नहीं मारेंगे रेस वेस फॉलो करना चाहते हैं। हाँ यार बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे, सोचो 150 पे अगर मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा 150 जो भी है, खैर आप लोग खुद लगा लो अंदाजा कि आप लोग मुंबई कितनी जल्दी पहुंच जाओगे अगर आपकी गाड़ी जो है भागती है ना, ये कंडीशन भगाने वाला होगा। लेकिन यार हाईवेज पे आप लोग जाओ ना तो ये नंबर नोट कर लिया करो, जैसे 1033 लिखा है ना सामने, तो ये एक सिंगल नंबर ही होता है, और ये ना आपकी सारी जैसे कि आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन होगी, आपका कुछ हॉस्पिटल नीड चाहिए या कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, तो उन पे ये आप लोग कॉल कर सकते हो। हमेशा मेक श्योर जिस भी हाईवे पे जाओ अलग अलग नंबर होते हैं हाईवे के, वो नोट कर लिया करो आप। हाँ ये हाँ तो इन पे हमेशा ध्यान रखा करो आप लोग कि मतलब नोट कर लो, क्योंकि हारी बीमारी का नहीं पता कभी भी, ये सोलर पावर्ड भी जो है टेलीफोन लग जाएंगे यहाँ पे ठीक है। और देखो एक चीज नोटिस करना कि अगल बगल में सारे खेत हैं, खेतों के बीच से गई है ये जगह, तो बस की स्पीड देखो 100 दी हुई है। हाँ बस की स्पीड भी 100 भागी यहाँ पे 120, मतलब बस भी 12 घंटे में पहुंचा देगी अगर लगातार भागती रही। सही है यार मेरे को तो काफी सही लगा, हारी गाड़ी हाँ आ रही है, तो मतलब हल्का हल्का तो चालू जो है हो चुका है, जिनको पता है वो चला। हाँ जिनको पता है जैसे हम लोग आगे ना, तो ये पलवल वलवल वाले तो जा ही रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो भाई देखो अभी ना मैं रुक गया था बीच में, और एक मैंने ये चीज देखी, आप लोगों को पता ना हो तो ये सोलर पावर्ड ना फोन होते हैं इसमें कई सारे फीचर होते हैं, अभी तो एक्टिवेट खैर करा नहीं गया, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, इस बटन को दबाओगे तो स्पीकर माइक कॉलिंग जैसे फीचर्स आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एमरजेंसी में ना, ये इतने काम आते हैं जब फोन में नेटवर्क नहीं आता है, ऐसी चीज़ें आती है, तो मेक श्योर अगर आपको एमरजेंसी हो हमेशा ढूंढो कि सोलर पावर्ड फोन कहाँ पे होगा, और आप लोग जो है अपनी जान भी बचा लेंगे अपने न्यारे पैरों की बचा लेंगे, तो मेक श्योर भाई शेयर भी करना है। तो गाइस मैं हूँ अभी एक्सप्रेसवे पे दिल्ली मुंबई ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई मेरे ना फोन में नेटवर्क नहीं आ
जा रहे हो और मुझे होगी बहुत तगड़ी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी लगा लो या पुलिस असिस्टेंस, ये मेरे को कुछ भी चाहिए, तो इन सब केस में क्या करोगे आप लोग? जब भी हाईवेज पे जाते हो आप लोगों को सोलर पावर्ड इमरजेंसी टेलीफोन दिखेंगे, इसमें ना बीच वाला बटन होता है जो कि अभी एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसका इनोग्रेशन नहीं हुआ हाईवे का, तो जैसे आप इनको दबाओगे फर्स्ट पे स्पीकर पे करोगे तो स्पीकर से आप लोग यहां से बोल सकते हो, आपको आवाज आ जाएगी, वो आपसे बोलेंगे हां जी किस तरीके की आपको असिस्टेंस चाहिए। सेकंड जो है माइक से आप लोग बता सकते हो कि भैया मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज मेरे को मतलब इमरजेंसी ऐसी चीज, और कॉलिंग का जो फीचर होता है आप डायरेक्टली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस या जितनी भी चीजें उनसे कॉलिंग से कनेक्ट कर सकते हो। तो भैया यहां पे नीचे लिखा हुआ भी है फॉर हेल्प प्लीज प्रेस बटन एंड वेट फॉर असिस्टेंस, आप बटन दबाओगे आपके पास सामने से रिस्पॉन्स आएगा। मेक श्योर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, बिकॉज कई बार ऐसा होता है, कई सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहता है, फोन ना मिलने की वजह से जान चली जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो रात को दिन में हमेशा ये जो है तत्पर आपकी सहायता के लिए है। तो ठीक है, हमेशा मेक श्योर कि आप लोग इनका यूज करें अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे।